सड़कों पर वाहन चलाने के दौरान चालकों द्वारा यातायात अनुशासन का पालन करने के तमाम प्रयास असफल हो रहे हैं। इसको देखते हुए अब नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों के माध्यम से बड़ों को ट्रैफिक का अनुशासन सिखाने की ट्रैफिक पॉलिसी बनाई है। इसके तहत आज नोएडा के सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नर प्रांगण में स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि बच्चों को फिजिकली और मैन्युअली दोनों तरीके से ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया गया। इस विषय में डीएसपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद कहते हैं कि इसके पीछे मंशा यह है कि जब अभिभावक घर के बाहर ट्रैफिक के नियमों को तोड़े तो बच्चे उन्हें समझाए और नियम तोड़ने से रोके। वे कहते हैं कि हम लोग लगातार स्कूलों से संवाद कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बच्चों ने बड़े उत्साह से कैंप में भाग लिया। बच्चों का कहना है कि वे घर जाकर अपने पेरेंट्स को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देंगे और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के उन्हें गाड़ी चलाने नहीं देंगे। साथ ही ये भी समझाएंगे कि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं करें। नोएडा से एसोसिएटेड एडिटर ताहिर शेफी की रिपोर्ट।